रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं तिल के लड्डू बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आसानी से बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसे हिट कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन पहले आपके पास आ जाए। तिल के लड्डू के लिए मैंने लिया है 225 ग्राम तिल, 200 ग्राम गुड़, 2 चम्मच घी। अब हम शुरू करते हैं बनाने का। गुड़ को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे या तो तोड़ लेंगे। ग्रेट करने से, तोड़ने से अच्छा से पिघल जाता है। और देखिए ग्रेट हो गया है ये। अब कढ़ाई को गर्म करेंगे और पहले हम तिल भून के तैयार कर लेते हैं। मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट तक हम लगातार तिल को भूनते रहेंगे। सफ़ेद तिल लिया है मैंने। तीन से चार मिनट हो गए हैं, तिल एकदम दानेदार हो गया है, फूल गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और थोड़ी देर ठंडा करके हम इसको जार में रख कर इसमें पीस लेंगे। इसको दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करना है। इस तरह से दरदरा हम पीस लिए, एकदम दरदरा है। कढ़ाई में हम घी डालेंगे 1.5 चम्मच, चाहे तो हम 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कितना ले रहे हैं घी, कितना पसंद है हमें। अब इसमें गुड़ को डाल देंगे हम। 4 से 5 मिनट के अंदर ये चाशनी तैयार हो जाएगा। और चाशनी हम चेक कर लेंगे बीच में, कटोरी में हम पानी डालकर हम चाशनी को चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये तैयार हो गया है। और हम चेक कर लेते हैं एक बार चाशनी, देखने से लग रहा है इसमें नहीं हुआ है ये, थोड़ा देर और होगा। थोड़ा देर बाद हम फिर से चाशनी चेक कर रहे हैं और इसको थोड़ा कुछ सेकंड में इसको तोड़ के देखेंगे। ये जम गया है अच्छा से, टूट रहा है यानी हो गया है, सारे टूट रहे हैं। एक साउंड करेगा तोड़ते समय, यानी चाशनी तैयार है। इससे हमें अंदाज लग जाएगा कि चाशनी हो गया है। गुड़ को ज़्यादा नहीं और ज़्यादा देर नहीं पकाना, नहीं तो ये कड़वा लगेगा। और इसमें हमको तुरंत तेल डालना पड़ेगा कि ये जमने ना लगे। अगर हम देर से करेंगे तो गुड़ भी जल जाएगा और चाशनी ज़्यादा पक जाएगा तो एकदम हार्ड हो जाएगा। तिल और गुड़ को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें हम क्रश करके डालें, चाहे तो हम तिल को साबुत भी डाल सकते हैं। इसमें और भी हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ तिल का ही लड्डू बनाया है। और इसको हम फिर अब इसको गरम गरम हम बांध लेंगे, ज़्यादा देर ठंडा नहीं करेंगे, जल्दी से बांधना है इसे। गैस ऑफ करके हम इसको जल्दी जल्दी लड्डू बना लेते हैं। हाथों में तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, बहुत गर्म है इसलिए जल्दी जल्दी इसको बांधना है। इस तरह से दोनों हाथों में रख के दबा के अच्छा से अब साइज हम अपने हिसाब से कम छोटा बड़ा कर सकते हैं, मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से हम सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे और बहुत जल्दी से आसानी से बन जाता है। तिल के लड्डू तैयार हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।